गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉलीगन रेंडरिंग। देखिए रेंडरिंग टेक्निक, रेंडरिंग के बारे में हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि रेंडरिंग क्या होता है। रेंडरिंग इज ए प्रोसेस टू क्रिएट रियलिस्टिक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सीन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जब हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सीन की कोई रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है रेंडरिंग का। तो यानी कि रेंडरिंग एक टेक्निक होगी। जो रेंडरिंग टेक्निक है उसके अंदर हमारे पास दो मॉडल्स यूज किए जाते हैं, एक होता है इल्यूमिनेशन मॉडल और दूसरा होता है शेडिंग मॉडल। मेरी पिछली वीडियो में मैं इल्यूमिनेशन मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शेडिंग मॉडल। शेडिंग मॉडल करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि शेडिंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए इन कंप्यूटर ग्राफिक्स शेडिंग इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस और पॉलीगन इन 3D सीन बेस्ड ऑन द सरफेस एंगल टू लाइट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लाइट एंड मटीरियल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर शेडिंग हमारे पास क्या है। शेडिंग ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को या उसका कोई सरफेस या फिर कोई पॉलीगन इनको जो हम कलरिंग देते हैं या फिर हम कह सकते हैं शेडिंग जो देते हैं शेड जो किया जाता है वो और 3D सीन के अंदर बेस्ड। अब किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है ये कि सरफेस का एंगल क्या है लाइट से, कि लाइट जो पड़ रही है सरफेस के ऊपर किस एंगल पे पड़ रही है, थीटा एंगल है, कितना वो एंगल है, या फिर उसका डिस्टेंस क्या है लाइट से। देखिए लाइट अगर बहुत नजदीक से आ रही है तो उसके अंदर कलरिंग थोड़ी डार्क आ सकती है, शेडिंग अच्छी आ सकती है। दूर से लाइट आ रही है तो शेड थोड़ी लाइट आ सकती है इस तरीके से। और इसके अलावा मटेरियल की प्रॉपर्टीज, जो हमारा मटेरियल है वो कैसा है। मेरी जो इल्यूमिनेशन मॉडल वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं ऑलरेडी सरफेस जो अलग अलग सरफेस है उनके अकॉर्डिंग की प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ कि जो सरफेस हमारे ज्यादा शाइनी होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, जो सरफेस हमारे डल होते हैं वो एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, और सिमिलरली जो सरफेस हमारे ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं तो वो क्या करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और साथ साथ ट्रांसमिट भी करते हैं आगे। तो ये चीजें मैं अपनी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यही चीज कह रहा है कि शेडिंग के अंदर इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसकी शेडिंग भी हमारी जो है इंटेंसिटी जो कम ज्यादा हो सकती है। देखिए शेडिंग जो है उसकी टाइप हमारे पास क्या आती है, शेडिंग हमारी जो है वो दो टाइप की होगी। फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी शेडिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि इसके अंदर जो शेडिंग जो की जाएगी ना, जो शेड्स किए जाएंगे उन सबकी इंटेंसिटी जो है कॉन्स्टेंट होगी। यानी कि हमने एक बार इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो वही शेडिंग हम सारे सरफेस के लिए यूज कर लेते हैं। और जो दूसरी टेक्निक है दैट इज इंटरपोलेशन शेडिंग, इसके अंदर हमें इंटरपोलेशन टेक्निक को अप्लाई करना होता है। इनकी जो ये टेक्निक्स है सॉरी टाइप्स जो है शेडिंग की, इसके एग्जांपल्स है हमारे पास कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी शेडिंग के अंदर जो शेडिंग हमारी यूज होगी उसका नाम होता है फ्लैट शेडिंग। ये बहुत ही सिंपल सी शेडिंग है और बहुत फास्ट टेक्निक होती है फ्लैट शेडिंग। सिमिलर जो इंटरपोलेशन है इसके जो टेक्निक्स यूज होंगी इसके अंदर दो टेक्निक्स होती है, एक होती है बोरोड शेडिंग एंड सेकेंड इज फॉर्म शेडिंग। जो ये फ्लैट शेडिंग है ये कॉन्सेप्ट यूज करती है कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी शेडिंग का, कि इसके अंदर हमने सरफेस के ऊपर एक सरफेस पे जब हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करके वहां पे एक इंटेंसिटी आ जाएगी तो उसी से हम सारे को हम कलर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई भी फिगर है सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई डायग्राम है तो यहाँ पे तीन अलग अलग सरफेस हो गए, एक ही सरफेस है S1, एक ही सरफेस है S2 और एक ही सरफेस है S3। तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे एक पॉइंट के ऊपर कोई भी तो उससे यहाँ पे शेडिंग हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट के लिए उसकी शेडिंग हो जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे उससे शेडिंग हो जाएगी। बट इसमें कुछ लिमिटेशन आ जाती है कि यहाँ पे जो शेडिंग है वो एक जैसी नहीं आ पाती, इसको नाम दिया जाए फ्लैट शेडिंग, क्योंकि ज्यादातर हमारी फ्लैट सर्फेस के लिए ही यूज की जाती है। जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर है या किसी और शेप का है तो वहाँ ये
सक्सेसफुल नहीं हो पाती है शेडिंग, तो इसके लिए फिर हम दूसरी शेडिंग यूज होती है गोरोट शेडिंग और फ्रॉक शेडिंग, जो कि इसके कंपैरिजन में बेटर है। गोरोट शेडिंग और फ्रॉक शेडिंग जो दोनों शेडिंग है ये हमारी इंटरपोलेशन जो शेडिंग जो टेक्निक है उसको यूज करती है। देखिए हमारे पास कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी मेथड जो कि फर्स्ट टेक्निक है शेडिंग मॉडल की, उसको डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज मोस्ट सिंपल एंड फास्ट मेथड टू कलर फॉर एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो टेक्निक है ये सबसे ज्यादा सिंपल है और फास्ट है ये कलर करने के लिए ऑब्जेक्ट को। इन दिस मेथड ए सिंगल इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पॉलीगन, हर एक पॉलीगन के लिए एक ही इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। एंड ऑल द पॉइंट्स ओवर द सरफेस ऑफ द पॉलीगन आर देन डिस्प्ले, और उस पॉलीगन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसी इंटेंसिटी के साथ इंटेंसिटी से ही डिस्प्ले किए जाएंगे, फिक्स्ड इंटेंसिटी वैल्यू। तो दिस टेक्निक डिस्प्ले ऑल पॉइंट इन पॉलीगन विद अ सिंगल शेड, तो यानी कि ये जो टेक्निक है ये पॉलीगन के सभी सर्फेसिस के ऊपर एक ही इंटेंसिटी वैल्यू को यूज करेगी, तो सिंगल शेडिंग करती है, यानी कि एक ही शेड सारे पे मतलब हमारी जो है यूज होगी। तो ये हमारी फास्ट, इसीलिए फास्ट है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, उससे पूरे एक सरफेस पे एक ही शेड मिलेगी, सिंपल भी है फास्ट भी है। तो इसका जो है हमारे पास जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी इसका नाम जो है फ्लैट शेडिंग जो यूज होती है इसके अंदर, तो इसको हम फ्लैट शेडिंग भी बोल देते हैं। इसका अलग नेम है फ्लैट शेडिंग और यह इसको कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी मेथड जो है यूज हो रहा है इसके अंदर। देखिए इसकी एडवांटेज क्या है कि ये यूजफुल है फॉर क्विक डिस्प्ले ऑफ सरफेस, पॉलीगन का कुछ सरफेस है उसको अपने क्विकली फटाफट से डिस्प्ले करवाना है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो उसको फटाफट हमने एक शेडिंग दी और उसको एकदम से डिस्प्ले करवा दिया। तो ये इसकी एडवांटेज होती है कि वो क्विक डिस्प्ले के लिए है क्योंकि फास्ट है इसलिए। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है कलर की। कैसे, जैसे हमने इस डायग्राम में देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई ये पॉलीगन है और ये इसके अलग अलग सर्फेस है S1 S2 और S3, इसके ऊपर हम नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं ये M1 और ये इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर है M2 और ये यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है L3। अब क्या होगा इस सरफेस पे टेक्निक में कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी ये नॉर्मल वेक्टर का सपोज ये पॉइंट है जहां पे हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करी, मान लो यहाँ पे हमने I1 इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, तो जब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर दी तो इस सरफेस के जितने भी बाकी पॉइंट्स हैं ऑल पॉइंट्स ओवर द सरफेस, तो जितना ये सरफेस के भी जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे इसी शेडिंग के साथ किए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है सपोज यहाँ पे इंटेंसिटी मेरे पास I2 आ गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे I2 के साथ किए जाएंगे और यहाँ वाले इसी तरीके से I3 के साथ किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, वो कैसे आएगी, सपोज यहाँ पे जो इंटेंसिटी कैलकुलेट हुई है और जो यहाँ कैलकुलेट हुई है ये सेम नहीं है, हो सकता है कि ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी डार्क हो या हो सकता है कि ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी लाइट हो। इसी तरीके से जो I3 है वो भी I1 और I2 के कंपैरिजन में डार्क भी हो सकती है लाइट भी हो सकती है। तो I1 I2 I3 ये जो तीन इंटेंसिटी है ये हमारी एक जैसी नहीं आती, कोई इंटेंसिटी ज्यादा डार्क आ सकती है कोई लाइट आ सकती है, तो उसे जो शेडिंग है ना वो अलग आ जाएगी। सपोज यहाँ पे लाइट आ गई, यहाँ शेडिंग थोड़ी डार्क आ गई, यहाँ थोड़ी लाइट आ गई या और ज्यादा डार्क आ गई, तो जो है डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है कलर के अंदर। तो ये इसकी एक हमारे पास डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट आता है इंटरपोलेशन शेडिंग मेथड। देखिए इसकी दो शेडिंग है इसके अंदर, गोरोट शेडिंग एंड फ्रॉक शेडिंग। पहले हम गोरोट शेडिंग को डिस्कस करते हैं। देखिए गोरोट शेडिंग जो है इसको हम एक नाम बोल देते हैं इंटेंसिटी इंटरपोलेशन या फिर कलर इंटरपोलेशन शेडिंग। इंटेंसिटी इंटरपोलेशन शेडिंग भी उसका दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंटेंसिटी है उसकी इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब है कि सपोज हमारे पास जो दो पॉइंट है उनके उन दोनों की को यूज करके कुछ बीच की वैल्यू निकाल देना, बीच की वैल्यू एग्जैक्ट हम एवरेज नहीं कह सकते, मतलब कुछ ऐसी एज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसी वैल्यू जो दोनों के लिए ही यूज हो जाए इस टाइप की वैल्यू, तो वो इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। इसीलिए और जो इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं वो इंटेंसिटी के ऊपर यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है इंटेंसिटी इंटरपोलेशन या फिर कलर इंटरपोलेशन शेडिंग भी बोल देते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ बातें हैं, इंटेंसिटी लेवल्स आर कैलकुलेटेड एट ईच वर्टेक्स एंड इंटरपोलेटेड अक्रॉस द सरफेस। जैसे इस डायग्राम में है कि सपोज ये कोई हमारे पास पॉलीगन है और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस होंगे, ये नॉर्मल वेक्टर N1 इस पॉइंट के ऊपर होंगे, ऐसे नॉर्मल वेक्टर N2 N3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो वर्टेक्स है
बारे में बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो कैलकुलेट होती है एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स जो है इनके लिए क्या होगा इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट की जाती है। एंड इंटरपोलेटिंग अक्रॉस द सरफेस, जो ये हमारे पास सपोज हमने पहले इस ये जो वर्टेक्स है इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट होने के बाद ऐसे ही हमने सपोज इसकी कर ली, तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे इनका हमें इंटरपोलेशन कर लेते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब इन दोनों को यूज करके एक कोई इंटरपोलेटेड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड इसके आगे कहता है कि दिस इंटेंसिटी इंटरपोलेशन स्कीम रेंडर्स अ पॉलीगन सरफेस बाय लीनियरली इंटरपोलेटिंग इंटेंसिटी वैल्यू अक्रॉस अ सरफेस। जो ये इंटरपोलेशन अप्लाई करता है लीनियरली अप्लाई करेगा कि जैसे इनके अप्लाई कर ली, ये जो वर्टेक्स है इनके ऊपर अप्लाई कर ली, सिमिलरली सभी वर्टेक्स के ऊपर जो है लीनियरली बारी बारी जो है इंटरपोलेशन मेथड को अप्लाई करेगा। इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ईच पॉलीगन आर मैच्ड विद द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट पॉलीगन अलोंग द कॉमन एजेस। जहां पे एजेस हमारी कॉमन है, दो पॉलीगन है और उनके बीच में जो एज है सपोज वो हमारी कॉमन सी एज है, तो जो इंटेंसिटी वैल्यू होगी वो एक पॉलीगन की अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो उसको मैच किया जाता है विद द वैल्यू ऑफ जो एडजेसेंट पॉलीगन है, जो पॉलीगन उसके साथ में ही है तो उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू आपस में कंपेयर की जाती है, मैच की जाती है, हम मैच कह सकते हैं उसको। और जो ये पॉलीगन्स होंगे एडजेसेंट उनके बीच में कोई ना कोई एज ऐसी होगी जो कि कॉमन होगी। और नेक्स्ट कहता है कि ये हमारा जो मेन पॉइंट है इट एलिमिनेट द इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटी दैट अफेक्ट इन द फ्लैट शेडिंग। फ्लैट शेडिंग जो हमने अभी पीछे फ्लैट शेडिंग पढ़ी थी उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी आई थी उसको ये रिमूव करता है, क्योंकि उसके अंदर उसने क्या किया था फ्लैट शेडिंग के अंदर इस सर्फेस के लिए अलग इंटेंसिटी यूज कर ली और उसे शेड कर दिया, इस सर्फेस के लिए अलग इंटेंसिटी यूज कर ली उसे शेड कर दिया, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, तो उससे क्या हुआ अलग अलग सर्फेस के ऊपर जो शेडिंग आई वो डिफरेंट डिफरेंट आई, कहीं लाइट आ गई कहीं डार्क आ गई कहीं और ज्यादा डार्क आ गई बिल्कुल लाइट आ गई, तो उससे डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब इसके अंदर ये डिसकंटिन्यूटी जो हमारी को एलिमिनेट होगी, एलिमिनेट कैसे होगी क्योंकि जो हमने यहाँ पे वर्टेक्स के ऊपर इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करी है वो इंटेंसिटी को हम बाद में इंटरपोलेशन करते हैं और फाइनली जो हमारे पास इंटेंसिटी आती है ना उससे हम शेडिंग करेंगे, तो जो इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी थी फ्लैट शेडिंग के अंदर वो हमारी टोटली जो है इसके अंदर रिमूव हो जाती है। आगे हम देखते हैं इसके एल्गोरिथम के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंटरपोलेशन शेडिंग जो मेथड है उसकी हम उसके एल्गोरिथम्स के बारे में देखते हैं। देखिए तीन स्टेप होते हैं बोरोड शेडिंग के या इंटरपोलेशन शेडिंग जो मेथड है उसकी, जो बोरोड शेडिंग जो हमने नाम दो शेडिंग है बोरोड शेडिंग और फोंग शेडिंग। बोरोड शेडिंग के एल्गोरिथम के थ्री हमारे पास स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है डिटरमाइन द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स। देखिए हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास पॉलीगन का ये कोई एक सरफेस की बात कर सकते हैं कि एक हमारे पास एक सरफेस है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर ली है वर्टेक्स से इसके v1 हो गया, एक वर्टेक्स v2 है, एक वर्टेक्स v3 है और ये जो x एक्सिस y एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, दिस इज x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और इधर हमारे पास आ गई एक स्कैन लाइन जो कि इस सरफेस को पॉलीगन की सरफेस को दो पॉइंट्स में कट कर रही है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है वहां पे भी हमने कोऑर्डिनेट ले लिए x a y a और इधर ले लिया x b y b, और ये जो बीच का पॉइंट ले लेंगे बीच यहाँ पे हमने इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई करके इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी है। तो देखिए पहला स्टेप कहता है डिटरमाइन द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स। जो ये हमारे पास वर्टेक्स है हर एक वर्टेक्स के लिए हमने नॉर्मल वेक्टर जो है उनका एवरेज ले लिया है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे तीन वर्टेक्स है और जो इनकी नॉर्मल होंगे n1 n2 n3 जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि नॉर्मल वेक्टर होते हैं n1 n2 n3 अलग अलग सरफेस के लिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 बाय a इनका मॉडुलस। ये हमारा एवरेज निकालने के लिए है, इसको आप फिर हम इस तरीके से सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। n i ले लेंगे, i हमारा जो है वो 1 से 3 होगा, 1 2 3 अगर हमारे पास 3 वर्टेक्स है तो 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, तो ये हमारा कितना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सर्फेसिस हम कितने ले रहे हैं, तो यहाँ पे n लिख लेंगे हम, n इज n हमारे पास क्या है नंबर ऑफ सर्फेसिस, और y में जो ये हमारा ये सिग्मा आ रहा है इसका मॉडुलस, तो थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से n that is n i and
सिग्मा आई वन से एन एंड इसका हमने मॉडुलस कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर हर एक ईच पॉलीगन मैट्रिक्स के लिए हमने निकाल लिया। फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इल्यूमिनेशन मॉडल जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे इल्यूमिनेशन मॉडल उनको अप्लाई करके हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है हर एक वर्टेक्स के ऊपर। अभी हम यहाँ पे इसको डिराइव करके नहीं दिखाएंगे इल्यूमिनेशन मॉडल के, वो पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास इंटेंसिटी सपोज आ रही है आई ए एंड आई बी। सपोज कर लेते ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला आई यहाँ पे इंटेंसिटी आई वन आई है यहाँ पे इंटेंसिटी आई है आई टू सॉरी आई वन एंड आई टू इधर की हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम कि यहां पे आई1 इंटेंसिटी है और इधर आई2 इंटेंसिटी है। तो देखिए अब हमने क्या करना है कि जो हम इधर हमारे पास पॉइंट है ए इसके ऊपर हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई करके जो स्टेप नंबर 3 कहता है कि हमने लीनियरली इंटरपोलेट करना है वर्टेक्स को टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ओवर द सर्फेस ऑफ पॉलीगन। कि जैसा कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि इसके अंदर हमारे जो वर्टेक्स है ना उनकी इंटरपोलेशन टेक्निक अप्लाई करके फिर हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर हमें इस वर्टेक्स की आई वन और इस वर्टेक्स की आई टू दो इंटेंसिटी अगर हमें पता चलेगी तो उसके ऊपर फिर हमने इंटरपोलेशन टेक्निक अप्लाई करके इस पॉइंट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे आई ए हम उसको नाम देंगे जैसा कि यहाँ पे दिया है आई ए। तो देखिए ये हमारा जो आई टू कैलकुलेट करने का इधर हमारे पास एक फॉर्मूला है इसकी भी डेरिवेशन नहीं होती है हम जस्ट इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारे पास कैसे आता है। देखो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला वाई ए यहाँ पे जो पॉइंट है वाई ए माइनस में वाई टू लेंगे ये जो वाई ए है इसको माइनस में लेंगे वाई टू। जब हम इधर की इधर वाले पॉइंट कंसिडर करेंगे तो हमने इंटेंसिटी जो मल्टीप्लाई करके लिखनी है वो दूसरी साइड की लिखनी होती है आई वन और जब हम प्लस करके इसको यहाँ पे ऐड करके इधर का पॉइंट लिखेंगे यानी कि वाई वन माइनस में वाई ए तो हम इंटेंसिटी लिख लेंगे आई टू दूसरी साइड की। इसको दोबारा कंसिडर करते हैं जब हमने इस पॉइंट से इधर को कंसिडर किया तो हमने इंटेंसिटी लिखनी है आई वन जब इधर की लाइन सेगमेंट को कंसिडर करेंगे तो हमने इंटेंसिटी लिखनी है इधर के आई टू अपोजिट इंटेंसिटी लिखते हैं। तो हमारा देखिए क्या बनता है वाई ए ये जो पॉइंट है वाई ए माइनस में ये वाला पॉइंट लिखेंगे वाई टू और मल्टीप्लाई में इंटेंसिटी आ गई आई वन और बाय में हमारा क्या आएगा वाई वन माइनस में वाई टू ये कॉमन आएगा वाई वन माइनस में वाई टू ये दोनों वैल्यूज में कॉमन आएगा इसको हम डिनोमिनेटर को जो है कॉन्स्टेंट रखेंगे कि वाई वन माइनस में वाई टू दोनों में सेम यही आएगा। ऊपर के पॉइंट्स हमारे चेंज हो रहे हैं इसको ऐसे याद कर लेंगे हम कि वाई ए माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई में आई ए बाय में वाई वन माइनस में वाई टू फिर प्लस में अब इस साइड के देखते हैं तो वाई वन माइनस में वाई ए मल्टीप्लाई में इंटेंसिटी इधर भी आ गई आई टू और डिवाइड में वही वाई वन माइनस में वाई टू जो कि हमने कॉमन लिया है। ये हमारे पास इंटेंसिटी हमने इस पॉइंट की कैलकुलेट कर ली आई की यानी कि हम नाम दिया हमने आई ए। सिमिलरली जो इधर वाली जो ये लाइन है यहाँ का जो पॉइंट है बी इसके ऊपर जो इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे उसको हम नाम दे देंगे आई बी और यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे देखिए वाई बी माइनस में वाई टू जैसे यहाँ किया था वाई ए माइनस में वाई टू ऐसे ही वाई बी माइनस में वाई टू देखिए वाई बी माइनस में वाई टू अब ये लिखा तो इंटेंसिटी हम लिखेंगे इस साइड की जो कि हमने मान ले कि आई थ्री है हमारे पास तो मल्टीप्लाई में आई थ्री और डिवाइड में वही चलेगा वाई टू माइनस में वाई थ्री लिख लिया हमने इस साइड भी यही आएगा वाई टू माइनस में वाई थ्री। अब रहेगी ऊपर की बात तो यहाँ पे आ जाएगा वाई थ्री माइनस में वाई थ्री वाई थ्री माइनस में वाई थ्री और इंटेंसिटी इधर की होगी आई टू डिवाइड बाई वाई टू माइनस में वाई थ्री आई थिंक दिस क्लियर हो चुकी होगी। फिर से एक बार देखते हैं वाई ए माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई आई वन बाई में वाई वन माइनस में वाई टू ठीक है प्लस में वाई वन माइनस में वाई ए बाय में वाई वन माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई आई टू इधर की साइड एंड दिस वन वाई बी माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई आई थ्री एंड वाई थ्री माइनस में वाई बी मल्टीप्लाई आई टू इधर की इंटेंसिटी और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हमारा दोनों में सेम हो गया वाई टू माइनस में वाई थ्री वाई वन माइनस में वाई टू इसको हम इस तरह
और ये हमारा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास दो इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी, आई ए होगी और आई बी होगी। अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास आई ए और आई बी की दो पॉइंट की इंटेंसिटी आ गई इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करके, देखिए हमने अप्लाई किया है लीनियर इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई किया है, तो अब वही चीज हमने अप्लाई करके जब इन दो पॉइंट की आ गई तो हम इस पॉइंट की भी निकाल सकते हैं। इन दो की इंटेंसिटी से हमने ये फाइंड आउट करी, इधर की दो से हमने ये फाइंड आउट करी, तो वही चीज हम दोबारा अप्लाई करके इन दो पॉइंट्स के लिए अब हम ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। और ये हमारी कैसे बनेगी, वही सेम प्रोसीजर अगेन चलेगा, वाई बी माइनस में वाई पी, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना ये हमने वाई पी ले लेंगे, इसमें हम तो वाई पी, वाई बी माइनस में दोबारा हम कंसीडर करेंगे एक्स की लेंगे, सॉरी एक्स, क्योंकि हमारी स्कैन लाइन जो है वो एक्स की तरफ से है तो एक्स लेंगे, एक्स ए माइनस में एक्स बी, ये बाय मिस्टेक लिखा है आपके एक्स बी, देखिए एक्स बी माइनस में हमारा एक्स पी हो जाएगा, एक्स बी माइनस में एक्स पी, बाय में आ गया एक्स बी माइनस में एक्स ए, यानी ये वाला एक्स बी माइनस में एक्स ए, सो मान लीजिए एक्स बी माइनस में एक्स ए मल्टीप्लाई में आ गई इंटेंसिटी इधर की यानी कि आई ए, फिर आएगा प्लस में, अब हम लिखेंगे xp माइनस में xa, xp माइनस में हमारा इधर xa आ जाएगा एंड डिवाइड बाय वही अगेन xp माइनस में xa, सेम रहेगा ये और मल्टीप्लाई हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी अब की बार इस साइड की यानी कि ib हो जाएगी। जब हमने इधर की वैल्यू लिखनी है तो हम इंटेंसिटी लिखते हैं ia, जब इधर की वैल्यू लिखेंगे तो इंटेंसिटी लिख देंगे इस साइड की, तो ये सारी अप्लाई करके हमारे पास फाइनली जो इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है ये हमारे पास आ गई आईपी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अगर हमारे पास ये इंटेंसिटी आ गई, फिर हमने इस इंटेंसिटी की मदद से ही इस सारे सरफेस को जो है हम शेडिंग अप्लाई कर देंगे हमने, तो ये जो बोर्ड शेडिंग है फाइनली इसके पास हमारे पास फिर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाती है। देखिए एडवांटेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिसकंटिन्यूटी इज रिमूव्ड दैट अकर्ड इन फ्लैट शेडिंग, जो हमने पहले फ्लैट शेडिंग करी थी उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी आई थी यानी कि जहां पे अलग अलग इंटेंसिटीज आ रही थी अलग अलग सरफेस के लिए, तो जब हमने वो शेडिंग किया था हर एक सरफेस के ऊपर अलग शेड आ रहा था जिसकी वजह से वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, अब वो डिसकंटिन्यूटी हमारी रिमूव होगी क्योंकि हमने सभी के लिए एक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली फाइनल, और जो ये फाइनल इंटेंसिटी है इसको हम अप्लाई करके प्रॉपर शेडिंग करेंगे, तो इसीलिए इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी जो है हमारे रिमूव हो रही है। दूसरी एक एडवांटेज और क्या आती है इसके अंदर, कैन बी कंबाइंड विद हिडन सरफेस एल्गोरिथम टू फिल इन द विजिबल पॉलीगन, जो हमारी हिडन सरफेस एल्गोरिथम होती है उसके साथ कंबाइन करके इसको हम एक बेटर व्यू जो है वो देख सकते हैं रिस्ट्रिक इमेज का, कि जब हम इसको कंबाइन करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड शेडिंग जो है उसके अपने ही कुछ एडवांटेजेस है, और जब हम उसको कंबाइन कर लेते हैं हिडन सरफेस एल्गोरिथम के साथ तो जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं जो इमेज आती है वो बहुत रियलिस्टिक और एक्यूरेट इमेज हमारे पास आएगी। एंड अब इसके साथ हमारे पास में तो कुछ डिसएडवांटेज भी हम कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट आती है डिक्रीज इंटेंसिटी वैल्यू कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑन द पॉलीगन सरफेस, तो ये क्या होता है कि कई बार इंटेंसिटी जब हमने कैलकुलेट कर रहे होते हैं जैसे आई बी आई बी हमने कंसीडर करी, कई बार क्या होता है किसी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी एकदम से ना बहुत डाउन चल जाती है, बहुत ही एकदम ड्रॉप वैल्यू आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है वैल्यू इंटेंसिटी की किसी पॉइंट के ऊपर, ऐसा हो सकता है कि एकदम से बहुत ही शार्प ड्रॉप आ जाता है, शार्प ड्रॉप बोलेंगे उसको कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू जो है डीप आ मतलब डिक्रीज होकर आएगी, तो अगर हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यू एकदम से बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होकर आ गई तो उस टाइम पे उसको जो है डिस्प्ले करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैन नॉट बी डिस्प्ले, तो जब उसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे पॉलीगन के किस सरफेस के ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। दूसरा इसके अंदर आता है एनोमलस शेप्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जब ये इंटेंसिटी हमारी अलग अलग आएगी तो उसकी वजह से जब हम कुछ शेडिंग करेंगे तो जो शेप है वो थोड़ी गड़बड़ा सकती है शेप इसके अंदर। एंड लास्ट आता है ब्राइट एंड डार्क स्ट्रीक्स अपीयर हो जाते हैं, देखो सरफेस के ऊपर ना कुछ ब्राइट और डार्क स्ट्रीक्स आ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, जैसे कुछ जैसे सपोज करें हमारे पास ये सरफेस है तो इस तरीके से ना इस तरीके से ये लाइनें कंसिडर आ जाती हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, जो ये लाइनें हैं इनको हम नाम दे देते हैं मैच बैंड का, ये ब्राइट होती हैं और एकदम स्ट्रीक लाइनें आती हैं, तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाती है इसकी कोरल शेडिंग की। देखिए लास्ट आती है फिर हमारे पास फोम शेडिंग इंटरपोलेशन शेडिंग की, जो सेकंड शेडिंग आती है जो सेकंड मेथड आता है वो आता है फोम
किया गोर आउट शेडिंग, तो उसके बाद जो फोम शेडिंग है उसके कंपैरिजन में थोड़ी बेटर रहेगी। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेवलप्ड बाय फोम बुइटोंग, ये नाम है जिसने इसको डेवलप किया था, कोई चाइनीज होगा। एंड नेक्स्ट आता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग भी बोलते हैं इसको। देखिए इसको हमने एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग। जो गोर आउट शेडिंग थी उसको हमने इंटेंसिटी इंटरपोलेशन शेडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी इंटेंसिटीज निकाली थी आई ए आई बी, पहले आई वन आई टू से आई ए आई बी निकाली, फिर उस आई ए आई बी से हमने आई पी निकाली, तो वहां पे हमने जो इंटरपोलेशन किया था वो इंटेंसिटीज का किया था, तो इसीलिए उसका नाम था इंटेंसिटी इंटरपोलेशन शेडिंग। अब यहाँ पे ये प्रोसीजर भी सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे इंटरपोलेशन जो हमने करना है वो इंटेंसिटी का ना करके बल्कि जो नॉर्मल वेक्टर होते हैं एन वन एन टू इनका इंटरपोलेशन करेंगे। तो इसलिए इसको नाम दे सकते हैं नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग। इट इंटरपोलेट नॉर्मल वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर है उसको इंटरपोलेट करेगी, और उसके बाद एंड देन इल्यूमिनेशन मॉडल्स आर अप्लाइड टू ईच सरफेस पॉइंट। बोरोड शेडिंग में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप अप्लाई किया था, नॉर्मल वेक्टर का एवरेज निकाला, उसके बाद हमने अप्लाई किया इल्यूमिनेशन मॉडल, और फिर हमने इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई करी थी। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे नॉर्मल वेक्टर की, उसके बाद हमने इल्यूमिनेशन मॉडल जो है अप्लाई करने है लास्ट में। ये जो मेथड है हमारे इंटरपोलेशन शेडिंग है ये एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट मेथड है पॉलीगन रेंडरिंग का कंपैरिजन में किसी बोरोड शेडिंग के, और ये डिस्प्ले करवाता है रियलिस्टिक इमेज जो होंगे वो थोड़े बेटर रियलिस्टिक इमेज डिस्प्ले करवाएगा, और इसके अंदर हमारी मैचमेंट इफेक्ट जो अकर हुए थे बोरोड शेडिंग के अंदर वो भी इसके अंदर जो है खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो आइए पहले हम इसका एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर करते हैं कोई सरफेस है हमारे पास, ये इसके वर्टेक्स होंगे v1 v2 v3, ये जो सरफेस है तीन वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है v1 v2 v3, और उनके ऊपर हमने ये नॉर्मल वेक्टर ले लिए n1 n2 n3। तो देखिए स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स, जैसे हमने बोरोड शेडिंग में किया था, सिमिलरली यहां पे भी हमने हर एक नॉर्मल वेक्टर का जो है एवरेज निकाला है, वो हमारा कैसे निकलेगा, सपोज n1 n2 और n1 n2 का हमने मॉडुलस लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी जो स्केल लाइन होगी, देखिए जैसे ये डायरेक्ट है, ये स्केल लाइन हमारी यहाँ पे कट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ही जो वर्टेक्स है इनके लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ n1 और n2 लेंगे। अगर हमारे इससे ज्यादा कंसिडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो सर्फेसिस है जो नॉर्मल वेक्टर्स है वो हमारे एड हो जाएंगे। अभी इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने जो स्केल लाइन ले रहे हैं वो हमारी इस लाइन को कट कर रही है, देखिए ये इस तरह को यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे जब ये कट कर रही है दो वर्टेक्स आ रहे हैं v1 और v2, और इन दोनों वर्टेक्स का जो नॉर्मल है वो n1 और n2 है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग हियर ओनली टू नॉर्मल वेक्टर्स n1 एंड n2, एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग हियर नॉर्मल एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया m1 + n2 और उसका मॉडुलस। इसको हम सिमिलरली कैसे लिख सकते हैं, वही अगेन सिग्मा के फॉर्म में लिख देंगे एन आई, और आई हमारा हो जाएगा 1 से लेके एन। इस एग्जांपल में एन की वैल्यू 2 है, डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस होंगे, अलग अलग वर्टेक्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्फेसिस हो गया। और अगेन फिर हम नीचे लिख लेंगे इसका मॉडुलस लिख सकते हैं, सेम यही आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एन आई, और हम इसका मॉडुलस लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट करके रख लिया हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के ऊपर। अब हमारे पास बात आती है इसको हमने अप्लाई करना है लीनियर इंटरपोलेशन मेथड है जो है, अब हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल वेक्टर्स के ऊपर, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी चलेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, तो वही चीज फिर से चलेगी कि इस पॉइंट से वाई से हम माइनस करेंगे वाई टू को, देखिए वाई से माइनस करेंगे वाई टू को, y माइनस में y2, जब हमने इधर से पॉइंट ले रहे हैं तो वही बात रिपीट होती है कि जो इंटेंसिटी होती है हम इधर की लिखते थे, इस साइड की इंटेंसिटी लिखते थे, तो अब हमारे पास इंटेंसिटी की जगह हमने नॉर्मल वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे n1 इस साइड का, n1 इधर के पॉइंट्स लिए y माइनस में y2, तो मल्टीप्लाई में हो गया n1, डिवाइड में कॉमन आ जाएगा y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2 जो कि यहाँ पे भी हम सेम लिखने वाले हैं, कॉमन लिखने वाले हैं, तो डिनोमिनेटर आ गया y1 माइनस में y2,
नाउ प्लस में अब हम इस साइड की बात करते हैं तो वाई वन माइनस में वाई, वाई वन माइनस में वाई, वाई वन माइनस में वाई एंड मल्टीप्लाई में इधर वाला जो नॉर्मल वेक्टर है यानी कि एन टू और डिवाइड वाई में वाई वन माइनस में वाई टू। आई थिंक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि वाई माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई में एन वन बाय में वाई वन माइनस में वाई टू प्लस में वाई वन माइनस में वाई मल्टीप्लाई में एन टू और डिवाइड बाय वही डिनोमिनेटर वाई वन माइनस में वाई टू जो कि दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे हमने लीनियरली इंटरप्रेट कर दिया है नॉर्मल वेक्टर्स को और स्टेप नंबर थ्री में अब हमारे पास क्या आएगा कि हमने अब फाइनली इल्यूमिनेशन मॉडल जो है वो अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई इल्यूमिनेशन मॉडल अलोंग ईच स्कैन लाइन, जितनी भी स्कैन लाइन होंगी अभी हमारे पास इस एग्जांपल में हम इस एक स्कैन लाइन की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे जितने भी हमारी स्कैन लाइन होंगी उनके अकॉर्डिंगली हमने इल्यूमिनेशन मॉडल अप्लाई करने हैं टू डिटरमाइन प्रोजेक्टेड पिक्सल इंटेंसिटी ऑफ सर्फेस पॉइंट। वो जो सर्फेस जो का जो पॉइंट है हमारा ये जो पॉइंट था अब यहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि फाइनली काम तो हमारा शेडिंग का ही करना है हमने तो लास्ट में हम फिर शेडिंग अप्लाई फाइंड आउट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे अप्लाई करके इल्यूमिनेशन मॉडल जो कि हम यूज करने वाले इल्यूमिनेशन मॉडल को। तो ये तीन स्टेप में हमारा जो ये एल्गोरिथम यहाँ पे कवर हो जाता है एंड लास्ट में हम फोर शेडिंग की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज जो है वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट नंबर वन तो वही है कि रिड्यूस करता है मैचमेंट इफेक्ट को। जो कोरोस शेडिंग में मैचमेंट इफेक्ट आए थे जो ब्राइट और स्ट्रीक लाइनें आ रही थी उसको ही टोटली रिमूव कर देगा और डिस्प्ले करवाएगा मोर रियलिस्टिक हाईलाइट या इमेज, जो इमेज है उसकी जो अब इफेक्ट आएगा मोर रियलिस्टिक आती है वो इमेज, यानी कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर आती है। और सेकेंड आता है मोर एक्यूरेट देन बोरोड शेडिंग, बोरोड शेडिंग के कंपैरिजन में इससे जो कैलकुलेशन आ रही है इंटेंसिटी जो कैलकुलेट हो रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। फिर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाती है, फर्स्ट इज स्लोअर देन बोरोड शेडिंग। देखिए बोरोड शेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है ये क्योंकि इसके अंदर हमें सक्सेसिव स्टेप्स जो स्टेप्स हैं वहां पे बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है जिसकी वजह से स्लो हो जाता है और साथ में ये कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि एज मोर कैलकुलेशन एट ईच सक्सेसिव स्टेप, हर एक स्टेप के ऊपर जो है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाने की वजह से कॉस्ट भी आ सकती है, मेमोरी भी यूज हो रही है और जो उसकी स्पीड है वो भी हमारी स्लो हो जाती है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।